Hello students, kinetic theory of gases ka lecture number 8. Okay, last lecture mein we discussed what is CP and what is CV, specific capacity, heat capacity relation and so on. Now next, okay, today we'll discuss, okay, in this lecture we will we'll discuss relation between CP and CV, okay, that is Mayes relation, also ideal gas ka equation. Ideal gas ka equation thoda kaise bana wo bhi zara dekh lo. ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, मैंने एक कुकर लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं दो तरीके से कुकर के अंदर गैस को हीट कर रहा हूँ, एक बार मैंने ढक्कन बंद करके हीट कर रहा हूँ और एक बार मैंने ढक्कन खोल के हीट कर रहा हूँ. ओके, अज्यूम करो जब मैं ढक्कन बंद करके हीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं हीट करता जाऊंगा, जैसे हम लोग यूजली देखते हैं जब भी हम लोग खाना पकाते हैं ना, जब भी अंदर का प्रेशर बढ़ता है, एक्सेस प्रेशर होता है, तो विसल है ना, विसल वो होता है और वो एक्सेस प्रेशर रिलीज कर देता है. समझो कि मैंने क्या किया, वो विसल निकाल के मैंने अंदर, समझो उसका जो वो ब्लॉक, जो भी ओपनिंग था उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, का है ना, कुछ इंसर्ट करके कांडी कांडी वगैरह कुछ डाल के मैंने वो पैसेज को ब्लॉक कर दिया, समझो ऐसे. अब क्या होगा, अब मैं हीट करते जाऊंगा, अभी मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं सीवी की बात नहीं करूंगा, अभी मैं नॉर्मली इसको हीट करते जा रहा हूँ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, है ना, 50 डिग्री, 60 डिग्री. कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये कुकर क्या होगा, है ना, कुकर सीधा फटेगा. Understood. तो मैं क्या यहाँ पर बोलूंगा कि जैसा जैसा मैं हीट देते जाऊंगा, यहाँ पर जैसा जैसा मैं हीट देते जाऊंगा, क्या होगा, दो चीज होगा, एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा जो मुझे यहाँ से मालूम पड़ेगा, दूसरा है ना, अगर मैंने वो एक्सेस प्रेशर को रिलीज नहीं किया तो अंदर प्रेशर बिल्टअप होगा और एक टाइम ऐसा है कि कुकर क्या हो जाएगा, सीधा ये ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा. तो मैं ऐसे बोलूंगा, जब मैं हीट दूंगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख के, बराबर कि नहीं, तो जैसा जैसा मैं हीट दूंगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा. तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गे लुसेक्स लॉ. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, गे लुसेक्स लॉ. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये एक सिनेरियो है. तो जैसे मैंने बोला था, मैं ऐसे प्लैनेट पे रहता हूँ जहां पर मैं गैस खाता हूँ, है ना, तो मैं खाना बना रहा था, कुकर फटा, तो है ना, ये वाला अप्रोच मुझे कुछ जमा नहीं, तो मैंने क्या किया, चलो अभी ढक्कन खोल के हम लोग हीट करते, क्योंकि एक कुकर एक बार फटाना, आई डोंट वांट कुकर टू बर्स्ट अगेन, है ना. तो मैंने क्या बोला कि चलो ढक्कन खोल के हीट करते, है ना, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं गैस डालूंगा तो गैस उठ जाएगा, मुझे मालूम है, बट जैसे मैंने बोला ना, ये आइडियल गैस है, मेरा अच्छा बच्चा, जिसको मैं जैसा बोलूंगा वैसा वो करेगा. तो मैंने अंदर 1 मोल का गैस लिया, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, और इसको मैं कैसे हीट कर रहा हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, और जैसे जैसे मैं हीट दूंगा दो चीजें होगी, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा जो मुझे थर्मोमीटर से मालूम पड़ेगा, और ये गैस का एक्सपांशन भी होगा, मतलब गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर में 1 डिग्री से चेंज नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा डिग्री से चेंज कर रहा हूँ. तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसा जैसा मैं हीट देते जाऊंगा, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, साथ में इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, बट प्रेशर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, बराबर है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये कौन सा लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ करके. ओके, नाउ ये वाला चार्ल्स लॉ है एंड दिस इज योर हीट. तो अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, कौन से दोनों इक्वेशन को, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, तो कंबाइन इक्वेशन मैं क्या बोलूंगा, PV is directly proportional to temperature. क्या बोलूंगा इसको, PV is directly proportional to temperature. मल्टीप्लाइंग ही बोला है, मैंने बोला है कंबाइनिंग. तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट डालूंगा, और ये कांस्टेंट का हम लोग ने, ठीक है, नॉमिनिक्लेचर किया और हम लोग ने कांस्टेंट का नामकरण किया और उसको बोला इट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला मतलब पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसको हम लोग ने बोला, बराबर है, 8.31 जूल पर किलो मोल केल्विन या मोल केल्विन, बराबर है, तो किलो मोल केल्विन, मोल केल्विन ऐसा. तो दिस इज आर का वैल्यू नाउ, ठीक है. तो यहाँ पर मैं PV is equal to constant into TA, ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PV is equal to R into T. ये इक्वेशन को मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, PV is equal to 1 into RT. बरोबर, ये 1 क्या है, तो इफ यू रिमेम्बर 1 is the 1 mole of gas, 1 mole, बरोबर ना, 1 is what, छोटा n,
तो इसी को मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, विच इज द इक्वेशन ऑफ वॉट, विच इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, जिस इक्वेशन ऑफ वॉट आइडियल गैस, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर दिस इज नोन एज व्हाट, आइडियल गैस। और एक चीज हम लोग ने और एक लॉ बनाया था, विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज व्हाट, बॉयल्स लॉ, है ना। जैसे कि वो इक्वेशन है यहाँ पर, ये वाला, बरोबर। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ, जो तुमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, थर्मल एक्सपांशन के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सी पी सी वी, ओके, एंड आइडियल गैस का इक्वेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन सी पी और सी वी का, ओके। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, सी पी और सी वी का। गैसेज ऑलवेज वी टेक वॉट, वन मोल करके, और यहां पर भी मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो सी पी और सी वी, बरोबर है, इसमें से बड़ा कौन सा होता है, इसमें बड़ा होता है सी पी, और सी वी क्या होता है, छोटा होता है। दोनों का डिफरेंस रहेंगे, दोनों का डिफरेंस जब हम लोग लेते हैं तो वो हम लोग को किसके बराबर आता है, वो हम लोग को आता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बराबर। सी पी क्या है, कॉन्स्टेंट, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बोला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। सी वी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, बट है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वो कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से माइनस करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, तुम लोग को जो मिलेगा दैट इज वॉट, अगेन अ कॉन्स्टेंट, विच इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो यहां पर हम लोग अभी क्या प्रूफ करने को देख रहे हैं, मेयर्स रिलेशन, 11th स्टैंडर्ड जो है, सीबीएसई वगैरह वो लोग में ये क्वेश्चन ज्यादा करके थियरी में पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मेयर्स रिलेशन है क्या। इट सेज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ओके, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर करके। उसके पहले थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये क्या होता है जरा ये भी समझो। तो एग्जांपल, जैसे कि मैंने समझो यहाँ पर एक पिस्टन लिया और सिलेंडर लिया, लेट्स से दिस इज अ पिस्टन एंड सिलेंडर, एक्चुअली पहले सिलेंडर बनाया मैंने और ये अंदर समझो ये पिस्टन है ऐसा, ठीक है। जो एड्स वगैरह में हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में, जो कैस्ट्रॉल वगैरह जो एड्स वगैरह आती है ना, तो उसमें सिलेंडर होता है ऐसा, ठीक है ना, और पिस्टन होता है। ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कहाँ का दिखता है, तो पिचकारी जो होली की होती है, दैट इज अगेन योर सिलेंडर एंड पिस्टन का अरेंजमेंट, डॉक्टर का सिरिंज, ओके। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, सिलेंडर पिस्टन, जो साइकिल में जो हम लोग हवा भरते हैं, है ना, अगेन दैट इज ऑल्सो व्हाट, सिलेंडर एंड पिस्टन। तो समझो मैंने क्या किया, मैंने ये सिलेंडर पिस्टन के अंदर कितना, मैंने यहाँ पर पूरा 1 मोल का गैस लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये 1 मोल का जो गैस है, अगर समझो उसको मैं हीट करता हूँ, बरोबर, अंदर मैंने थर्मोमीटर भी डाल के रखा हुआ है, बरोबर, अंदर मैंने थर्मोमीटर भी डाल के रखा हुआ है, और लेट से ये गैस को अगर मैं हीट करता हूँ, बरोबर, हीट का नोटेशन क्या होता है, अगर 1 डिग्री से चेंज करूंगा 1 मोल का तो सी आएगा, कुछ भी टाइम, है ना, 1 मोल का कुछ भी टेम्परेचर से चेंज करूंगा तो सी नहीं आएगा, है ना, तो मैं बोलूंगा क्यू करके। तो जब मैं इसको हीट देता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं 2 चीज देखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि एक तो ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। दूसरा मैं क्या देखता हूँ कि ये जो गैस होता है ना, ये गैस एक्सपांड होता है। अब मैंने पिस्टन को ना ऐसा पकड़ के दबा के नहीं रखा, कुछ भी वेट ऊपर नहीं मैंने अप्लाई किया हुआ, तो क्या होगा, वो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। तो पिस्टन पहले यहाँ था, फिर पिस्टन यहाँ कहीं आ जाएगा इधर की तरफ, ओके। तो इतने से क्या होगा, पिस्टन मूव कर जाएगा, अंडरस्टूड। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि व्हाटएवर हीट यू सप्लाई इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। एक होता है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू, ठीक है, डू सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क। ज्यादा डिटेल में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ही जब मैं थर्मोडायनामिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनामिक्स का पार्ट, ठीक है, तब हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि अगर एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, अंदर मैंने कुछ गैस लिया है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो वो हीट 2 तरीके से यूटिलाइज होती है,
बरोबर है, हीट जो होता है वो क्या करेगा, इसका इसका टेम्परेचर भी बढ़ाता है, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाता है, और यहाँ पर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ है, बरोबर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर जो साइड में चीज लिख के रखता हूँ, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू करके, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू करके। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर सी पी माइनस सी वी का रिलेशन। उसमें क्यू क्या है, हीट है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, और यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है तो वो भी थोड़े टाइम में भी डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी नथिंग बट सम ऑफ, या इट इज एनर्जी कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सी पी और सी वी का। तो सी पी क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये था स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट, सॉरी ये था स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये था स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो मैं वही दो सिनेरियो वापस से लेता हूँ जो मैंने थोड़े टाइम पहले लिए थे। एक कुकर में ढक्कन बंद करके हीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब मैं कुकर की जगह समझो मैं पिस्टन ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पिस्टन ले लेता हूँ, ताकि तुमको जो कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि सर वो गैस डालोगे तो गैस हवा में उड़ जाता है, वो उड़ जाएगा, लेट अस रिमूव दैट कन्फ्यूजन ऑल्सो। तो समझो ये पिस्टन था, ये सिलेंडर है, और ये पिस्टन यहाँ पर है, ऐसा कुछ। ओके, लाइन डायग्राम सिर्फ मैं बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द पिस्टन। ओके, मैंने अंदर क्या किया, मैंने अंदर कितना गैस लिया, मैंने अंदर गैस लिया समझो 1 मोल का, कितना गैस लिया मैंने, 1 मोल का गैस लिया, और मैंने क्या किया, ये 1 मोल के गैस को, ठीक है, 1 मोल के गैस को मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, 1 मोल के गैस को मैंने हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे कि हम लोग ने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था, क्यू और सी का रिलेशन क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू टी, ये टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बट जब भी गैस की बात आती है, तो मैंने क्या बोला था कि गैस की बात हम लोग गैस को जो होता है, गैस जो होता है वो हम लोग किलो में नहीं लेते, हम लोग हमेशा लेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल लेते हैं। तो यही फॉर्मूला फॉर गैस क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एम की जगह केजी की जगह हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, और सी इंटू टी करके, सी इंटू टी करके। नाउ ये सी क्या होगा, ये सी सी वी भी हो सकता है, सी वी भी हो सकता है, बरोबर है, लेकिन ज्यादा करके ये सी वी होता है, दिस यूजली सी वी, क्यों करके, इफ़ यू रिमेंबर जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ढक्कन बंद करके जब मैं 1 मोल के गैस को हीट करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ढक्कन खोल के, है ना, ढक्कन खोल के 1 मोल के गैस को हीट करता हूँ, है ना, यहाँ पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करूंगा, और यहाँ पर भी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करूँगा, बरबर ये 2 केसेस मैंने लिए थे। यहाँ पर जो मुझे हीट लगेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, सी वी, और यहाँ पर जो मुझे हीट लगेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, सी पी, बरबर। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा केस ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, बट ऑब्वियसली ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, गैस डालते अगर ढक्कन नहीं लगाऊंगा तो ये उड़ जाएगा, बरबर है, तो इसलिए हम लोग ये वाला केस ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वी आ जाएगा, और फॉर वन मोल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ तो क्यू वी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू टी हो जाए, सी वी इंटू टी हो जाएगा, टी इज नथिंग बट वॉट, टेम्परेचर, रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है, वो छोटा डी भी ले सकता हूँ मैं, वो बड़ा डी भी लिख सकता हूँ। ओके, नाउ फर्दर यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा फिर से, ठीक है, मैंने क्या किया, सिलेंडर लिया, ठीक है, उसके अंदर 1 मोल का गैस लिया, और उसको मैंने क्या किया, उसके अंदर थर्मोमीटर भी मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है, और उसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया, बरोबर है। तो यहाँ पर अगर 1 मोल के गैस का टेम्परेचर, समझो इसका टेम्परेचर जो भी था, ठीक है, इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, और मैंने इसको हीट करके कर दिया कितना, 31 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल के गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए, और बरोबर, और मैंने समझो यहाँ पर बहुत सारा वेट डाल के रखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर, तो ये पिस्टन के ऊपर मैंने वेट डाल के रखा हुआ है, तो पिस्टन क्या होगा, है ना, ये गैस अगर एक्सपांड करने को देखेगा अभी, तो ये गैस एक्सपांड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर से मैंने पिस्टन को ऐसे दबा के रखा हुआ है, बरोबर है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, और इसका टेम्परेचर मैंने क्या किया, 1 डिग्री से चेंज कर दिया, बरोबर।
एक डिग्री से चेंज किया, तो वो वाले हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवी बोलेंगे, बराबर है। और अगर समझो मुझे टेम्परेचर एक डिग्री से चेंज नहीं करना है, मुझे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज करना है, तो वो जो हीट लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, और क्यू इज इक्वल टू एन सी इन टू टी करके जस्ट नाउ वी डिस्कस। और यहाँ पर मैंने बोला हम लोग गैस कितना लेते हैं, 1 मोल गैस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर। ये टेम्परेचर को मैं थोड़ा बड़ा टी लिख देता हूँ नोटेशन के लिए, बस और कुछ नहीं। लेट से दिस इज बड़ा टी, लेट से दिस इज बड़ा टी, और कुछ नहीं, दिस इज टी वन, दिस इज टी टू। अगर ये इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, यूजली तुम लोग जैसे डिफरेंशिएट करते हो मैथ्स में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कैसा होता है, तो ऐसा कुछ लिखते हो डी बाई डी टी, बराबर है। यहाँ पर भी डी बाई डी टी, और सी वी तो कॉन्स्टेंट होता है, तो सी वी को तो बाहर ले लिया, और यहाँ पर डी बाई डी टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा टी। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कैंसलिंग डी टी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो सिर्फ डेरिवेटिव लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, जब बेस नहीं होता हम लोग बोलते हैं उसको पार्शियल डेरिवेटिव, तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो मैंने 1 मोल का गैस लिया, उसका टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूंगा तो एक डिग्री से चेंज करने में जो हीट लगेगा उसको मैं बोलूंगा सी वी, और 10 डिग्री से 20 डिग्री से 100 डिग्री से चेंज करने में जो हीट लगेगा उसको बोलूंगा क्यू। उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है ये, यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है इसलिए सी वी, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ओके। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये बोलता है कि है ना क्यू इज इक्वल टू जो भी तुम हीट देते हो है ना एक सिस्टम को, वो दो तरीके से यूज होती है, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा उसका वर्क डन करने में। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क कब होता है जब गैस में, ठीक है, विल डिस्कस अगेन व्हेन विल गो फॉर थर्मोडायनामिक्स। वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिंस वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम का चेंज जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, मतलब वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया जीरो करके, ओके। तो यहाँ पर क्यू किसके बराबर आ गया, क्यू आ गया यू के बराबर। डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये डी यू क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा सी वी इंटू डी टी, आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। उसमें से ये सी वी क्या है, सी वी कॉन्स्टेंट है, अगर कॉन्स्टेंट को हटा दूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन डालूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन डालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। मुझे बताओ ये यू क्या है, यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट है तो इंटरनल एनर्जी, ये भी है टेम्परेचर, तो दिस इज टेम्परेचर, बरोबर। तो यहां से मैं कंक्लूजन मार सकता हूँ, क्या कंक्लूजन मार सकता हूँ, कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ओके। तो समझो अगर यहां से यहां पर अगर मैं 10 डिग्री से 10 डिग्री से अगर मैं चेंज 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा था, बरोबर है, तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा, वो हिसाब से बढ़ेगा, ओके। इसको मैं कहीं ना कहीं तो बाद में यूज करूंगा। अब यही चीज को, ठीक है ना, यही 1 मोल के गैस को मैं दूसरी तरीके से हीट दे सकता हूँ। प्रीवियस थोड़ा सा इसमें क्या करता, मैंने कुकर लिया था, वहां पर मैंने ढक्कन खुला रखा था, तुम लोग ऐसा लग रहा था गैस उड़ जाएगा, तो अब गैस नहीं उड़ेगा। अब देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, वही सेम चीज है, खाली बस मैंने अपैरेटस चेंज कर दिया, अब मैंने पिस्टन ले लिया, अब तो गैस नहीं उड़ेगा, ऐसा कुछ। फिर से मैंने अंदर कितना लिया, फिर से मैंने अंदर 1 मोल ऑफ गैस ले लिया, कितना लिया मैंने, 1 मोल ऑफ गैस लिया हुआ है। अंदर मैंने थर्मोमीटर भी डाल के रखा हुआ है, और ये गैस को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से अब मैं हीट कर रहा हूँ, बरोबर है। और अगर ये गैस को, बरोबर है, अगर ये गैस का टेम्परेचर जो भी है, समझो अगर ये गैस का टेम्परेचर है, एग्जाम्पल वही फिर से अज्यूम करता हूँ, अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है ना, और मुझे इसका टेम्परेचर अगर 30 से 31 करना है, तो मुझे जो भी हीट, मतलब एक डिग्री से अगर चेंज करना है, तो मुझे जो भी हीट लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बरोबर है। लेकिन अगर समझो मुझे 1 डिग्री से चेंज नहीं करना है, मुझे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज करना है, तो उसके लिए जो भी हीट लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यू करके। और क्यू और सी का रिलेशन क्या होता है, तो वी ऑलरेडी डिस्कस एन सी वी इंटू डी, एन सी पी इंटू डी,
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, n इंटू टी करके, और n कितना लिया हम लोग ने, 1 मोल लिया, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। ओके अगेन इफ आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन तो मैं क्या बोलूंगा, dq इज इक्वल टू सी पी, अगेन कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा dt, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके नाउ ऑल्सो अगर यहाँ पर भी मैं इसको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बोलूंगा वॉट एवर एनर्जी, वॉट एवर हीट यू सप्लाइड दैट इज यूज इन टू वेज, बरबर अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके नाउ एक चीज ध्यान रखो, जब मैं यहाँ पर इसको हीट करूंगा तो अब मैंने यहाँ पर कुछ भी वेट नहीं रखा हुआ है, तो गैस के मॉलिक्यूल जाके पिस्टन को हीट करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, लिफ्ट होना चालू हो जाएगा, पहले पिस्टन यहाँ था फिर पिस्टन यहाँ आ जाएगा, फिर पिस्टन का पोजीशन यहाँ आ जाएगा, बरोबर है, तो पिस्टन का इतने से चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बरोबर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब है ना, फोर्स लगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वर्क हो गया, और वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, बड़ा वर्क डन जो होता है दैट इज इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, बट छोटा वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, पी इंटू डी वी करके। ओके तो यहाँ पर डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ डी यू प्लस पी इंटू डी वी, अब ये जो डी यू है ना, ठीक है, ये डी यू मैं उठा के यहाँ से लिख दूंगा सी वी इंटू डी टी। अब तुम बोलोगे सर ये डी यू और ये डी यू सेम कैसे हुआ, तो मैंने क्या बोला, डी यू मतलब इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल सी फोर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यहाँ पर टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहा हूँ समझो 10 डिग्री से, तो वही हिसाब से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, यहाँ पर मैं टेम्परेचर कितना 10 डिग्री से ही चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी जो होगा वो उतना ही अमाउंट से बढ़ेगा जितना अमाउंट से इंटरनल एनर्जी यहाँ पर बढ़ा, इसीलिए ठीक है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसीलिए ये डी यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सी वी डी क्यू, है ना, डी क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी क्यू की जगह मैं ये लिख दूंगा सी पी इंटू डी टी इक्वल टू, डी यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा सी वी इंटू डी टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये पी इंटू डी वी, तो यहाँ से मुझे बताओ पी इंटू डी वी क्या हो जाएगा, सी पी इंटू डी टी माइनस सी वी इंटू डी टी, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ने अभी थोड़ा टाइम पहले डिराइव किया था आइडियल गैस का इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फॉर वन मोल कितना हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर टी। नाउ यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर प्रेशर चेंज होगा यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बरोबर है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, बरोबर है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स की बात करूंगा इन जनरल, जब मैं हीट दूंगा तो दोनों वेरिएबल्स के, दोनों भी क्या वेरिएबल्स है, प्रेशर भी चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यू इंटू वी का अगर मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करूँ तो यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू इज इक्वल टू आर, तो कॉन्स्टेंट है तो टी आ गया। यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बरोबर कि नहीं, यहाँ पर मैंने प्रेशर क्या कर दिया था, कॉन्स्टेंट कर दिया था, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट किया था, सेम चीज है, यही चीजें मैंने लास्ट थोड़े टाइम पहले प्रेशर कुकर से बताई थी, याद आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर कुकर ढक्कन बंद था, यहाँ पर प्रेशर कुकर खुला था, ढक्कन खुला था, देखो वहां पर इसलिए वो ज्यादा सिंपल पड़ रहा था, यहाँ का प्रेशर वहां का प्रेशर सेम था, बट ये पिस्टन से आ जाता थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है समझने, तो इसको भले तुम देखो ऐसा पिस्टन की तरह, बट इसको इमेजिन करो कि वो कुकर ही रखा हुआ, ढक्कन खुला हुआ है, अंडरस्टूड, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर ये इसके लिए ना ये पीवी इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे बताओ चेंज इन प्रेशर कितना होगा, तो चेंज इन प्रेशर हो गया जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया जीरो। अब पी डी वी क्या होता है, पी डी वी अगर देखोगे तो यहाँ से पी डी वी को मैं क्या बोल सकता हूँ, सी पी इंटू डी टी माइनस सी वी इंटू डी टी, और ये हो जाएगा आर इंटू डी टी, कैंसलिंग डी टी ऑन बोथ साइड, मुझे क्या मिलेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सो दिस इज द मेयर्स रिलेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर। ओके तो अभी तक हम लोग ने छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ठीक है डिस्कस कर लिए, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ठीक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दैट इज मोनो ठीक है डाई एंड ट्राई इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।